इस बात को सोचो कि अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि आपके लिए एक एक समय एक एक टाइम बहुत ही कीमती है। हाय एवरीवन, मैं हूं अशफाक और मैं आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ बीच में मोटिवेट करते रहता हूं, बीच में पढ़ाने का ट्रिक बताते रहता हूं कि कैसे अपने पढ़ाई को सही रखना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप बातों को कैसे पढ़ो कि याद हो जाए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, उससे मुझे तजुर्बा हो चुका है कि बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे क्वेश्चन तो पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता, बात दिमाग में रह नहीं पाता, बाहर निकल जाता है, एक दिन पढ़े भूल गए, है ना। ये कमेंट बहुत करने को मिलता है और बच्चे लोग कमेंट करते हैं, और मैं व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं तो बच्चे लोग से जब कॉल होती है, जब बात होती है तो बच्चे वहां पर बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो मेरे को बहुत कुछ आइडिया मिल चुका है और इस तरह से मैं आपको गाइड करते रहता हूं। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यहां पे आपको करना क्या होगा, तीन टिप्स मैं आपसे बताने वाला हूं, उन तीनों टिप्स को अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे, ध्यान पूर्वक समझोगे तो बहुत ही बेस्ट करने वाले हो, यानी कि आप जो बातें पढ़ोगे ना उसको याद करने वाले हो। लेकिन इन सभी टिप्स के पीछे एक ही राज है, वो है आपका मेहनत, एकदम मेहनत। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ये वीडियो आपके लिए, नहीं तो फिर ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी आप ये वीडियो देखोगे, तभी आप टिप्स को पूरा कर पाओगे, क्योंकि ये टिप्स मेहनत पे डिपेंड है। अगर आप मेहनत करते हो तभी ये टिप्स आपके लिए काम आएगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या रहता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब सवाल पढ़ते हैं तो दिमाग में छप जाता नहीं, छपता ऐसा होता है कि हाँ याद हो गया, लेकिन थोड़ा देर बाद फिर निकल जाता है ना, आज पढ़े फिर 10 दिन बाद भूल गए, 5 दिन बाद भूल गए, याद नहीं होता सवाल को। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टिप्स की तरफ जानते हैं। सबसे पहले टिप्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है, प्रश्नों को इमेजिन करके पढ़ना है। क्या करना है, प्रश्नों को इमेजिन करके। अब ये क्या होता है सर, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है ना, एक एग्जांपल समझो मेरी तरफ से। जैसे आप लोग मान लो दायां हाथ उठा लो आप लोग, जैसे मैं एक इमेजिन बता रहा हूं, आप दायां हाथ ऊपर करो और मैं आपको बोलूंगा जैसे बोलूंगा उसे करना है, ठीक है ना, मेरे को देखकर करना है। दायां हाथ उठा लो, उठा लिया आप लोग दायां हाथ, और आपको मैं बोल रहा हूं कि अपने सर को टच करो, सर को टच करो, अपने सर को छुओ, हेड हेड हेड। तो देखो मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे देख करके यहां पे छुआ होगा, जबकि ये पेशानी है, सर तो यहां पे है कि नहीं, आपने भी छुआ होगा, लगभग 80% मेरे को देख करके सर, मैंने बोला सर को छुओ, सर यहां पे है और ये तो पेशानी है, मैं पेशानी को छू रहा तो आप भी पेशानी को छू रहे, मतलब क्या हो रहा, अक्सर बच्चे ये गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात ही पता चल रही, गलती में भी एक बात पता चल रही है कि ये बच्चे जो है ना, या तो आपका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो देख करके बातों को ज्यादा समझती है, जो इमेजिन हो जाता है दिमाग में, जो देख लेते हैं वो बात दिमाग में ज्यादा छपती है कि नहीं। इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो इमेजिन करो, सवाल को इमेजिन करो कि ये काम यहां हुआ था, ये काम वहां हुआ था, तब जाकर के आपके माइंड में वो बातें सेव रहेगी। जैसे मानते हैं आप एग्जांपल बताते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल बताते हैं, आप मानते हैं एक सवाल याद करते हैं, मोटर की बनावट याद करते हैं, या जनरेटर की बनावट, जनरेटर कैसे बना हुआ है, काम कैसे करता है, तो आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको बहुत बोझिल लग रहा है, इतना बड़ा थोड़ा फिगर है, ये वो ये है ना, ढेर सारा लिखा हुआ है। लेकिन एक मैकेनिकल है जो जनरेटर को बनाता है, एक मिस्त्री है जो जनरेटर को बनाता है, जो डायनमो को बनाता है, उससे पूछो ये भाई ये कैसे काम करता है, तो वो आराम से बता देगा, कोई हिचकिचेशन नहीं उसके अंदर होगा, एकदम फटाफट बता देगा ये पुर्जा यहाँ पे होता है, ये पुर्जा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने देख रखा है और आप देखा नहीं, आपने सिर्फ पढ़ रखा है। उसी तरीके से और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके माने मोहल्ले में कोई कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने गया देखा क्या, दो भाई मिलकर लड़ रहे हैं ना, या दो लड़का लड़ रहे हैं, वो इसको थप्या रहे, वो इसको मार रहे है ना, वो इसको गाली दे रहे हैं, उसी दौरान पहले लड़के का मम्मी आ गया उसको मारने लगे, दूसरे लड़के का डैडी आ गया वो इसको मारने लगे, दोनों में आपस में टकराव हो गई, पुलिस आ गया, ये सारी बातें आप अगर देख लिए होंगे तो आप मुझे आकर के आराम से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ये बात आपने देख लिया। लेकिन यही बात आप लिख करके, यही सारी बातों को लिख लीजिए कॉपी में और बोलिए अपने दोस्त को, भाई साहब ये वाला याद कर लो, एग्जाम में आएगा, उसको बोले यार पागल हो गया, इतना हार्ड कैसे याद हो गया, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या हुआ था। बस यही बात है, यही समझना है कि बातों को विजुअल करना है, यानी कि बातों को इमेजिन करना कि ये हुआ था, ठीक है ना। जैसे आप सोशल देख लो, आर्ट्स देख लो, तो आर्ट्स हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में अगर बोला जाए तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, फिर यहाँ पे आकर बहुत सारा आंदोलन चलाया, 1917 में शुरू
किए तो चंपारण आंदोलन चलाए, फिर उस तरह से आगे बढ़ते डेट आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बहुत सारे डेट यहाँ पे है, है ना। 1920 में असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं सभी ने, अवज्ञा आंदोलन नमक कानून के तौर पे शुरू किया, इरविन समझौता हुआ दुनिया भर के यहाँ पे, तो एक इमेजिन बन गया कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। साइंस में भी आप देखो कि पोटेशियम को हम या सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अगर इसको निकाल के रखेंगे या पानी में डुबा देंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये बातों को देखो, वीडियो में देखो कि क्यों रखते हैं, तो हम तो पढ़ते हैं ना लेकिन को विजुअल नहीं कर पाता। अगर आपने विजुअल कर लिया तो ये आपका रूल फॉलो हो जाएगा, लेकिन आपको विजुअल करने के लिए, हर सवाल याद करने के लिए आपके अंदर सबसे पहले मेहनत होना जरूरी है, तभी ये काम हो पाएगा। तो उम्मीद है कि पहला टिप्स आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया कि बातों को क्या करना, इमेजिन करना है, समझना है कि ये हुआ था, ये हुआ था, तब जाके आपको बात जो है दिमाग में रहेगा। और आने वाला टाइम में वही बच्चा सक्सेस होगा जो बातों को देख करके, इमेजिन करके, विजुअल करके पढ़ेगा, ना कि रट के पढ़ेगा। रट के पढ़ने वाला बच्चा आगे सक्सेस नहीं होने वाला, लिख करके रख लो। दूसरा टिप्स यहां पे है पढ़ना और पढ़ाना। ये क्या होता है सर, पढ़ना और पढ़ाना, है ना, पढ़ना और पढ़ाना। अगर आपसे आपका दोस्त पूछ ले भाई ये क्वेश्चन मुझे बता दो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि अगर हम उसको बता देंगे तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा या वो मेरे से आगे निकल जाए, क्योंकि कंपटीशन का दौर चल रहा ना, वो मेरे से आगे निकल जाएगा, वो मेरे से ज्यादा नंबर लगा, लेकिन ये आपकी बेवकूफी है। आप अगर उसको बताते हो तो उससे ज्यादा आप सीखते हो, अगर आप सीखे हुए हो तो उससे फास्ट आपका रिवीजन होता है एग्जाम हॉल में, उससे फास्ट आप बनाओगे, क्योंकि आप उसको बताया है, आपने उसको रिवीजन करवाया है। जब आप किसी चीज को बताते हो ना तो आपका ब्रेन जो है डबल काम करता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या इसका टिप्स का नाम रखा, पढ़ना और पढ़ाना। खुद पढ़िए और पढ़ाइए दूसरों को, अपने दोस्तों को पढ़ाइए। आपको ऐसा पढ़ना है कि आपके अंदर पहले अपने अंदर एक जज्बा पैदा करो कि हम ऐसी तरीके से पढ़ाई करेंगे कि पढ़ा देंगे। अपने घर वाले जो आपसे छोटे जो भाई बहन है ना, उसको कोचिंग भेजना अच्छा है कि आप खुद बैठा के पढ़ाओ। देखना आप एक महीना जब पढ़ोगे ना तो उसकी बहुत सारी बातें जो आप नहीं जान रहे थे उसकी किताब से, उसके दिमाग से, या उसके टीचर ने उसको बताया होगा, तो वो सब बातें आपको सीखने को मिलेगा। तो पढ़ाइएगा तो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि आपको कोचिंग खोल देना है, नहीं, मैं बता रहा हूं आप पढ़ रहे हो, अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करो, हमेशा नेतृत्व करने की कोशिश करो, लीड करो, है ना। भीड़ भाड़ मत चलो, बोलते ना भीड़ में मत चलो, भीड़ से अलग होकर चलो ताकि भीड़ आपका फॉलो करे। तो आप कोशिश ये करो कि हम दोस्तों को बताएं, उसको समझाएं कि ये होता है, ये भी होता है। लेकिन सब बच्चे लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे, सर मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, सर हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इतना दूर दूर में दोस्तों क्या करें। तो अब उसके लिए क्या करना है, आपको खुद को पढ़ाना है, खुद को पढ़ाना है। अब खुद को कैसे पढ़ाएंगे सर, खुद को पढ़ाने के लिए आपको, जैसे मैं देखूं सबको डेट, आपको एक सवाल याद करना है, तो आप समझाओ कि महात्मा गांधी जी वहां गए थे, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, फिर यहां आए थे, इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था, उसके बाद इमेजिन करो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, तो वहां पे बिस्मार्क वगैरह हो गया, गैरिवाल्डी बहुत बड़ा योगदान रहा था, ये सब युद्ध हुआ था, ये सब डेट में ऐसा हुआ था। तो आप ना थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी लाओ, थोड़ा सा यहां भी लाओ, तो मतलब ऐसा आप एक्टिविटी करो कि समझो आपके सामने कोई बंदा खड़ा है और आप उसको समझा रहे हो। तो अपना बॉडी लैंग्वेज से कुछ लिख करके भी समझाओ, आपके साथ घर में बोर्ड है तो बोर्ड के लिख करके बताओ कि ये देखो ये होता है, तब ये हुआ था, तब ये हुआ था। तो यानी कि आपको लगे कि हाँ सामने मेरे कोई बंदा है, उसको मैं पढ़ा रहा हूं, इसको बोलता है खुद को पढ़ाना। और जब जिस दिन आपने ये कर लिया ना, मैं चैलेंज करता हूं, आप अगर अपने दोस्तों को पढ़ा रहे हैं, सपोज डेट कोई क्वेश्चन आपका दोस्त ने नहीं पढ़ा और आप अगर उसको पढ़ा रहे हो ना, तो उसको समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको तो खैर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाला, एकदम 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। दूसरों को समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए हमेशा पढ़ाने की कोशिश करो, लीड करने की कोशिश करो, ठीक है ना, कि जो पढ़े उसको पढ़ा दे, अगर कोई बंदा नहीं तो खुद को पढ़ाओ, है ना। और सबसे बेस्ट यही कि खुद को पढ़ाओ, खुद को समझाओ, ये दिमाग जो है ना, ये आप ही का दिमाग है ना, ये समझ जाएगा, बहुत बातों को समझेगा, और जो पढ़ाओगे वो यही समझेगा। तो ये रहा बात क्या पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन इसके पीछे भी क्या मेहनत है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, तब जाके ये काम कर पाओगे। तीसरा टिप्स है वर्तमान में जीना सीखो वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में। सपोज डेट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एक स्टेशन पे बैठे हुए हो, आपके साथ कोई बंदा अननोन पर्सन है, कोई बैठा हुआ है, आपने पूछा भाई साहब घड़ी में टाइम कितना हुआ, वो बोला नहीं बताएंगे। बोला भाई साहब क्या टाइम हुआ, बोला नहीं बताएंगे यार। तो बोला क्यों नहीं बताओगे, तो बोले देखो अभी मैं टाइम बता दूंगा, तो आप पूछोगे कैसे हो भाई साहब, खैरियत से हो, अगर मैं बोलूंगा हाँ तो फिर आप मेरा नाम पूछ लोगे, फिर बोला हाँ, फिर अगर मैं नाम बताऊंगा फिर पूछोगे आप कहाँ रहते हो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो, फिर मैं जहां बोलूंगा यहां जा रहे हो, तो बोला अरे हाँ वहां तो मेरा दोस्त भी रहता है, फिर वहां पे आपका एक हम दोनों एक रिलेशन बन जाएगा, है ना, फिर आप मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर मांग लोगे, फिर आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर ये होगा तो फिर अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बोलोगे भाई साहब मेरे पास ये प्रॉब्लम, भाई मेरे को पैसा चाहिए,
और बोला मैं आपके ये प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता हूँ। भाई साहब वो बंदा तो हंसी, आपको खुद हंसी आ रही होगी, इतना इतना फ्यूचर कौन सोचता है भाई, कौन सोचता है इतना फ्यूचर कि अभी आप तो आपसे सिर्फ टाइम पूछ रहा हूँ ना, इतना फ्यूचर कौन सोचता है कि इस आने टाइम में ये होगा, हम आपके प्रॉब्लम फंसना नहीं चाहते, इतना फ्यूचर कौन सोचता है। तो प्लीज इतना फ्यूचर मत सोचा करो कि क्या होगा, है ना, ये मत सोचा करो कि अभी एग्जाम में क्या होगा। बच्चे लोग सोचते ना सर मेरे एग्जाम में क्या होगा, सर मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे को मोहल्लम भी ये होगा, फेल हो जाऊंगा, मुझे मैथ समझ में नहीं आ रहा, मुझे साइंस समझ में नहीं आ रहा, ये बस सोच सोच के टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। मोबाइल खोलते हैं, रील्स चालू करते हैं, तो जा रहा 2 मिनट के लिए 2 घंटा कब पास होता है पता नहीं चलता है ना। तो ये आप फ्यूचर के बारे में सोच के टाइम खुद का वेस्ट करो, क्यों सोच रहे हो, वर्तमान में अभी काम करो ना, अभी तुम जो हो है ना। आप सोच रहे कि हम बिहार बोर्ड टॉपर में आ जाएंगे यार, हमको मुख्यमंत्री साहब आएंगे, लैपटॉप देंगे, तो खूब खुश हो रहे, खूब खुशी मिल रही है अंदर से। अभी पहले वर्तमान में जियो ना, अभी क्या कर रहे हो। दूसरा तरफ पास्ट में बंदा सोचता है यार मेरा ये हो गया था, मैं ये फेल हो गया था, मेरा सही से मार्क्स नहीं रहा, मेरा घर वाले ये बोल दिए थे, मेरा दोस्त ये बोल दिया था, है ना, मजा नहीं आ रहा, मतलब पिछले वाली भी बात को सोच रहे हैं। पास्ट जो गुजर गया उसके बारे में सोच रहे हैं और जो आने वाला उसके बारे में सोच रहे हैं। ये सब सोचना बंद करो, ये दोनों को, आने वाला गुजरा हुआ को सोचना बंद करो और जो अभी है वर्तमान में इस बात को सोचो कि अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि आपके लिए एक एक समय एक एक टाइम बहुत ही कीमती है। आपको पता है ना, कोई सक्सेस आदमी है और कोई नॉर्मल आदमी, हर किसी के लिए एक चीज बराबर, टाइम 24 आवर सभी को मिलता है, चाहे वो बड़ा सक्सेस आदमी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए 24 घंटा। लेकिन जो सक्सेस होता है वो आखिर 24 घंटा में करता क्या है, क्या काम करता है, सोचो उसके बारे में, क्या करता है, मेहनत करता है, सब मेहनत पे डिपेंड है। और आप जो यूं ही सोच सोच के टाइम वेस्ट करो, मोबाइल चलाते टाइम वेस्ट करो, आजकल मोबाइल का बहुत बड़ा लग चुका है, एक बार मोबाइल उठाते हैं खोलते हैं कुछ और फ्रंट में कुछ और आ जाता है, फिर उसी की दुनिया में खो जाता है, क्योंकि मोबाइल का एप्लीकेशन इसी तरीके से बनाया गया है कि बच्चे या कोई भी चलाने वाला इस तरह से फंसते रहे, क्योंकि आपको तो कोई ये नहीं हो रहा ना, जिसको जिन्होंने एप्लीकेशन बनाया, जिन्होंने मोबाइल बनाया उसको तो बेनिफिट हो रहा है भाई, तब तो मोबाइल खरीदाएगा, तब तो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, तब तो मेरा व्यूज बढ़ेगा। तो आप ये काम मत करो, आपको वो काम करना है जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपको वो वीडियो देखना है जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपको वो वीडियो देखना है जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, आपको मेंटल बेनिफिट मिले, आपकी पढ़ाई में हेल्प हो, वो वीडियो नहीं देखना जो फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये तीनों टिप्स को आजमाते हो तो जो मैंने बताया था ये तीनों टिप्स से आपके अंदर रिमेंबर करने की क्षमता बढ़ जाएगी और याददाश्त बढ़ जाएगी, और जरूर मैं बता रहा हूं बातों को याद करने का जो क्वालिटी है वो जरूर शुरू हो जाएगा। तो बस ये वीडियो यहीं पे लास्ट करते हैं। अब आप लोग नीचे कमेंट करोगे क्या भैया सर अब से मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा, ये आपको खुद से कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है, उसको भी बता देना ताकि उससे भी इस बात की जानकारी हो जाए। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। आपके पास कोई भी और डॉट है, कोई भी सवाल है नीचे कमेंट करेंगे, जिसका ज्यादा कमेंट आएगा, जिस टॉपिक पे ज्यादा कमेंट आएगा उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको मोटिवेट करके इस तरह से 7वां आसमान तक पहुंचा दूंगा। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।